बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, अरिका बड़ी हो गई ना तो इतना कनेक्शन बिल्ट हो गया है, अब इसको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्या करें यार, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चलो बाय। ऑलराइट, पैकिंग शुरू हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे हो रही है कुछ चीज़ें चार्ज। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखो ये पूरा अभी सब रैपअप हो जाएगा। इसको पहले मैं बायफर्केट कर रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है। ये टेल बैग वाटरप्रूफ, इसमें मैंने सब सामान ऑलरेडी डाल दिया, आधा सामान तो भर गया, मतलब कपड़े पूरे इस सैक में कंपार्टमेंटलाइज किया है मैंने इस बार। फिर इन्फ्लेटर, नीचे एक बाइक का कवर, और भी चीज़ें मैं भरनी है, इसके ऊपर लैपटॉप भी आएगा, और ये जो पाउच है ये जो इसके ऊपर आएगा इसमें भी काफ़ी सामान जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठंडी के कपड़े भाई, प्लस इसमें कुछ टॉयलेटरी सामान है। अभी इसमें मुझे और भी सामान लाना है, जैसे मेडिसिन लानी है, तो वो मैं अभी लेके आ जाऊंगा। और अभी सबसे पहले जाना है अपने को डीकैथलॉन, क्योंकि ठंडी के कपड़े मतलब ठंडी के ग्लव्स मुझे चाहिए, प्रॉपर वाले, मतलब जो माइनस डिग्री में होते हैं ना वो वाले चाहिए मुझे, क्योंकि हमेशा मुझे हाथों पे बड़ा तकलीफ होता है जब मैं जीरो के नीचे जाता हूं, तो इट्स बेटर कि मैं ले लूं। साथ में सोच रहा हूं कि एक प्रॉपर रेन पैंट भी ले लूं, जो ठंडी में भी काम आते हैं, जो होती है ना रेन प्लस ठंडी वाली। और काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि अपना ऑडियो माइक का अच्छा होना चाहिए क्योंकि निंजा पे स्पीड ज्यादा रहेगी, तो देखो मैंने एक मस्त जुगाड़ किया है। ये डेड कैट मैंने माइक को लगाई और प्रॉपर इसकी वायरिंग अंदर से करके, इसमें मतलब वो माइक पे स्पंज भी है और डेड कैट भी लगी हुई है, तो आई होप कि अभी विंड नॉइज नहीं आना चाहिए। बस दिक्कत आती है 80 के ऊपर, अगर ये सोल्यूशन काम कर गया तो 100 के ऊपर भी अपन आराम से बात कर सकते हैं। सेना भी चार्ज हो चुका है, गोप्रो भी लग चुका है, ये पूरा हेलमेट चकाचक अंदर से धुल भी चुका है। चलो जाते, काफी बड़ा है यार। तो जो होगी अपनी शॉपिंग है, तो ये कि बैग ले लिया क्योंकि ये मुझे हमेशा लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये नेगेटिव वाले ग्लव्स लिए मैंने, स्कीइंग ग्लव्स है भाई, टेंशन ही नहीं, तो ये -5 -10 तक अपने को आराम से चल जाएंगे, और नीचे रेन पैंट है। चलो इट्स टाइम टू पैक। बादल, बादल भाई मिलते हैं अभी 15-20 दिन 25 दिन बाद, आराम से अगली बार तेरे को लेके जाएंगे। ऑलराइट गाइस, इट्स टाइम, वक्त आ चुका है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। वेलकम टू दिस एपिक सीरीज मुंबई टू लद्दाख ऑन तूफान निंजा 1000 प्रोटेक्टेड बाय राइडा गियर्स। लाइफ में दूसरी बार मैं मुंबई से निकल रहा हूं, तीसरी बार मैं मुंबई से निकल रहा हूं, ऑल द वे चला के जा रहा हूं लद्दाख तक। ये ट्रिप एपिक होने वाली है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे लाइव अपडेट शुरू है। चलो निकलते हैं, सब कुछ सेट है, गाड़ी भी टकाटक मैंने पैक करके रख दिया मस्त नीचे, और अभी निकलते हैं। बस यहाँ पे बस गियर बाकी है, दैट्स इट। पूरा घर मुझे रैपअप करके बंद करके निकलना है, तो इसीलिए इस चक्कर में थोड़ा वक्त हो गया। देखो 6 बजे निकलने वाला था, 45 मिनट्स ऑलरेडी लेट। चलो ठीक है, फर्स्ट डे ऐसा होता ही है, निकलते हैं। अभी इसको इस तरह से मैंने पैक किया, अच्छा हुआ मैंने ये जाली वाली बंजी कॉर्ड ले लिया है, बट मोस्टली मैं ये बैग ट्रांसफर कर दूंगा अक्षय की गाड़ी पे, वो उदयपुर अभी आज पहुंचेगा। वो जस्ट निकला और मैं भी अभी निकल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम टाइम 7 बज गए, और अच्छा है अंधेरा भी हो जाएगा। चलो लंबे सफर के लिए निकलते हैं, पहले तो ट्रिप भी मैं जीरो कर देता हूँ क्योंकि वो अपनी घर से ट्रिप रहेगी, तब आएगा मजा। 23 degrees राइट नाउ। चला गणपति बप्पा मोरिया, गजानन महाराज की जय, सुखरूप जाओ देने सुखरूप यू दे देवा। चलो लंबा सफर शुरू। ऑलराइट, मीटअप पॉइंट इज हियर, अपना सागर भाई आ चुके हैं। अरे वाह वाह वाह, मजा आएगा आज, क्या बात है। हाँ उदयपुर, हाँ टिकट ना डायरेक्ट उदयपुर दिल तो। सो सागर इज ज्वाइनिंग मी टिल वडोदरा क्योंकि उसको कुछ काम भी है और चलाने का मौका भी मिल रहा है। मैंने उसको पूछा था लद्दाख के लिए, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस में नहीं हो पाता क्योंकि काम धंधा भी होता है ना। आई अंडरस्टैंड, है ना, थोड़ा मैचिंग है। जी बातें करते करते आराम से पहुंच गए वलसाड़, घर से निकल के हो चुके 170 किलोमीटर, और अभी बजे 11, और बहुत ज्यादा भगा भी नहीं रहे हम, एक्चुअली 100, 110, 120 वही रख रहे हैं क्योंकि फिर माइलेज भी अच्छा मिल जाता है और एवरेज स्पीड भी कवर उतनी हो जाती है। मैं भूल जाता हूँ 80 के ऊपर अपने को बात नहीं करना है क्योंकि आवाज आता है विंड नॉइज, तो 80 के नीचे रखेंगे, और वो लाइक का बटन है ना नीचे, बस वो जरूर दबाना अपने को, हर वीडियो में हर एक व्यू का एक लाइक चाहिए गाइस, लाइक का बटन दबाओ क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब करने में। ये देखो दो बंदे इतने धूप में इतने लंबे सफर पे निकले, और अक्षय अभी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर क्रॉस कर चुका है टुवर्ड्स इंदौर, वो अमरावती से निकला है। तो आगे जो अपना नाश्ता देखो, अभी हल्का फुल्का खाएंगे, ज्यादा नहीं, यहाँ पे इडली वड़ा एक प्लेट है और एक प्लेट उत्तपा ले लिया सेफ साइड, इसको आधा आधा खा लेंगे, सॉर्टेड। इसके बाद फिर अपने को शायद लंच वडोदरा के आसपास कर लेंगे, फिर
होपफुली 3 घंटे में वडोदरा, 3 से 4 घंटों में। और सागर वेलकम टू गुजरात, सब सरस से। तो हम लोग अभी नवसारी ऑलमोस्ट पहुंच गए और वहां से सूरत है आई थिंक अराउंड 60-70 किलोमीटर, तो हम 12 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली सूरत क्रॉस करेंगे। हर ढोलिता ढोल बजे। अब तक हमें एक भी बाइकर दिखा नहीं है, बस एक कपल बाइकर दिखे थे हम लोग ने जब ब्रेक लिया था, तो लोग सीधा निकल गए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट नो बाइकर एज ऑफ नाउ। हमको ये 95 चाहिए, यहाँ पे नहीं है ना, 103 रुपये का है रे 95। हेलो, अपने आप सादा इससे महंगा है। क्या खूबसूरत होटल है, उदय पैलेस, वाह, आउट ऑफ नोवेयर इतना अच्छा होटल। अरे गर्भ घूमता आज को कुलधाम है, अरे मिल गया हमको शेल का पेट्रोल, मिल गया, और अच्छा पेट्रोल भरेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक भी ले लेंगे। उतरना जरूरी है क्या? 107 रुपये में शेल का पेट्रोल मिल रहा है भाई, मुंबई के रेट में। एक बार माइलेज भी निकाल लेते हैं कितना मिल गया। तो पेट्रोल भरा है 12 लीटर एग्जैक्ट, 234 चलिए। क्या लगता है भैया कितना माइलेज दिया होगा? नो आइडिया, एक अंदाज लगा दो। 234 डिवाइडेड बाय 12, 19.5, ऑलमोस्ट 20 का। यार शेल पेट्रोल रूम का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बैठने के लिए जगह होती है, अच्छा कॉफ़ी वॉफी थोड़ा पानी वानी ये सब मिल जाता है, और एसी होता है। तो ऐसे 10 मिनट हमने ब्रेक लिया, राइट नाउ 12:20 भाई साहब, होता ही है यार लेट, क्या करें, चलो निकलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, पहली मेजर नदी हम क्रॉस कर रहे हैं तापी। अब इस ट्रिप में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हम क्रॉस करेंगे, जैसे झेलम, सतलज, आई थिंक ब्यास, और भी बहुत सारे नॉर्थ में, तो जितने भी हो रहे हैं नॉर्थ से आ रहे, पंजाब से, सब क्रॉस करेंगे इस बार, बड़ा मजा आ रहा है। ओके 15 किलोमीटर बिफोर भारूच, थोड़ा सा हाथ स्ट्रेच कर लेते हैं। वैसे मैंने क्रूज कंट्रोल का यूनिट लाया है, पर वो बाद में लगाएंगे, फिलहाल नहीं। गर्भ घूमता आज अभिषेक तूफान है। ऑलराइट, दोपहर के 1:30 बजे हम पहुंचे हैं नर्मदा ब्रिज भारूच का, ऑलमोस्ट रीच भारूच नाउ। मेरा सेना भी डेड हो चुका है, इसको चार्जिंग को लगाता हूँ और गोबर की बैटरी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा छाव मिल जाए तो बेटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ छाव ही नहीं है यार। अजीब सा गर्म हो रहा है, धूप बहुत ही है, भट्टी जैसा है। वाह, लेकिन बढ़िया लग रहा है, टूरिंग मशीन। ऑलराइट, रीच्ड भारूच, और यहाँ पे थोड़ा सा शेड में हम लोग रुके हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपैरेटिवली मुझे इतना गर्म नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दिस लाइट कलर जैकेट। वैसे काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि मैं कौन से राइडिंग बूट्स पहनता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। लास्ट टाइम ड्यूरिंग IBW आई अपग्रेडेड माई बूट्स, तो ये है राइडा एक्सप्लोरर बूट्स, ये फुल साइज बूट्स है यहाँ तक, मतलब फुल प्रोटेक्शन है। और सबसे अच्छी बात, इसका पैडिंग बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था तब वो ब्रेक इन वाला फील ही नहीं आया था, ऐसा लग रहा था कि मैं इसको कब से यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ये 2 कलर में आते हैं, मैंने ये ग्रे वाला लिया बिकॉज इट मैचेस माय बाइक कलर एंड आल्सो दिस गियर ना, लेकिन इसमें ब्राउन भी आते हैं, वो भी बहुत बढ़िया दिखते हैं। और इसका सोल बहुत ही सॉफ्ट और कम्फर्टेबल है, प्लस इट हैज़ गॉट वेरी गुड प्रोटेक्शन, मतलब काफ प्रोटेक्शन है, टो प्रोटेक्शन है, एंकल प्रोटेक्शन है, बढ़िया क्वालिटी के बूट्स है। प्लस दीज आर मेड ऑफ फुल ग्रेन लेदर, इसमें मेश का पार्ट भी है, मतलब आपको एयर भी फील होगा, ब्रीदेबल है। प्लस इसको पहनना बहुत आसान है क्योंकि इसकी ओपनिंग काफ़ी वाइड है, HD फोर्ड पैडेड इनसोल्स है फॉर परफेक्ट कम्फर्ट। और सागर, ये इतने बड़े बूट्स, अच्छे बूट्स है, फुल साइज, और इसकी प्राइस कितनी होगी? 7,500 ओनली, मतलब बड़े फुल साइज बूट्स आप 10,000 के नीचे यूजली मिलते ही नहीं है, यूजली नहीं मिलते, लेकिन ये वाले एक्सप्लोरर बूट्स, ये फुल साइज बूट्स आपको 7,500 में केवल मिलेंगे। और डिस्काउंट चाहिए तो, और अपना कूपन कोड WSFI यूज करेंगे तो आपको 5% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन राइडर गियर्स वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। और इतने साल इतने सारे बूट्स यूज करने के बाद आई थिंक दीज आर टोटली वर्थ इट, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। वैसे अपने बाइक्स का हीट मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है ना, इतने गर्मी में भी देखना हाफ इंजन ही हाँ हीटेड है। तो दोस्तों अभी हम क्रॉस करेंगे नर्मदा रिवर का ब्रिज भारूच वाला, जो बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आता है यहाँ पे क्रॉस करने, और तूफान फर्स्ट टाइम ये क्रॉस कर रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। और मैं तो पता नहीं कितनी बार जा रहा हूँ, आई थिंक 10-15 बार तो किया ही है क्रॉस,
ये दूसरी इम्पोर्टेंट नदी नर्मदा रिवर हम क्रॉस कर रहे हैं, तापी हम कर चुके हैं, अब आगे जाके और भी नदियाँ आएंगी, जहाँ जहाँ मुझे पता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इकड़े समुद्राला भेटते थी तोंड है मुख है। ओके, सो वक्त आ चुका है यहाँ से मारूंगा टर्न टुवर्ड्स हलोल द गुड ओल्ड हाईवे। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, वैसे गूगल मैप्स आगे से कहीं तो राइट दिखा के बता रहा है, लेकिन नहीं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। ये अपना ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से हलोल, हलोल से गोधरा, गोधरा से शामला जी, और वहाँ से उदयपुर। और अभी सागर विदाई का वक्त आ चुका है, सागर यहीं पर रुकेगा अभी, उसको कुछ काम है, एंड देन टुमारो ही विल रिटर्न बैक। अच्छा यार साथ में आ गया, आधा रास्ता मेरा साथ में हो गया, बोर नहीं हुआ मैं तो। अभी अकेला है तो अभी गाने वाने लगा के हो जाएगा मेरा काम। चलो वेलकम टू वडोदरा हलोल रोड। बहुत गर्मी है। ओ अरे हाँ, वडोदरा एयरपोर्ट है ना, बस वो टर्न मारा उधर ही है, तो ये देखो फ्लाइट। थैंक यू यार फॉर ज्वाइनिंग। मजा आया, चला के भी मजा आया, दोनों को खुजली हो रही थी इतने महीनों से, वो भी पूरी हो गई। सागर इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड। अभी सागर वापस जाएगा, मैं बढ़ूंगा आगे, और अक्षय पहुंचेगा उदयपुर थोड़ी देर में। चलो तो हो गया अपना सोलो सफ़र शुरू। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर अपने को सोलो जाना है। राइट नाउ आई एम क्रॉसिंग हलोल। मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई 7 बजे तक पहुंच जाऊँ, ट्राई कर रहा हूँ। अभी बजे 4:15। वैसे काफ़ी सारे लोगों को ऐसी ही सीरीज का इंतज़ार था, थैंक यू सो मच गाइज। काफ़ी सारे लोगों को पता है मुझे कि ये सब देखना है, लेकिन अभी ठीक है, देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो MG मोटर्स का फैक्ट्री है हलोल में, और तूफान पे ना किलोमीटर जल्दी कट जाते हैं, मतलब पटापट ऐसे किलोमीटर होते, पता ही नहीं चलता कि अरे बाप रे 100 किलोमीटर हो भी गया। तो ऑलमोस्ट 2 घंटा ब्रेक लिया है हमने टोटल अगर मिला है तो। सच बोलो कितने लोगों ने ऐसे बाइक चलाया है अपनी जवानी में, मतलब ये कॉलेज डेज में, ये देखो ये ऐसा। फ्रेंकली मैंने ऐसा कभी नहीं चलाया, कभी भी नहीं, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, मतलब फॉर सम रीज़न मैं कभी भगाता नहीं हूँ ऐसे बाइक अननेसेसरीली, अनलेस अनटिल आई एम ऑन हाईवे। लेकिन वो थोड़ा फॉर्म में आ गया मुझे देख के। ठीक है, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना जुनून है, समझ गया ना। ये 2 दिनों में मैंने CID थोड़ा ज़्यादा देख लिया, इसलिए ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। पता लगाओ दया, पता लगाओ। अभी फ़ोन से पता चला है कि अक्षय के 300 किलोमीटर बाकी है, मेरे 250 किलोमीटर बाकी है, तो मोर और लेस हम लोग एक ही पेज पे है। आई थिंक 7-8 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आई होप मैंने बराबर रोड लिया है। ये दावत क्यों दिखा रहा है भाई, बातें करते करते कभी कभी थोड़ा ये हो जाता है। ओ भाई साहब, मैंने दावत का टर्न ले लिया यार, आगे जाके यू टर्न मारना पड़ेगा। क्या बात है, ये जो शामला जी के 100 किलोमीटर पहले का एरिया है, पता नहीं जंगल जैसा और बहुत ही खूबसूरत है, लश ग्रीन। आगे जाके थोड़े माउंटेन्स भी आते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे सडनली टेम्परेचर भी थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, जैसे कि अभी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तो 4:40 हो गए, सन इज गेटिंग डाउन, लेकिन फिर भी पावर है क्या, बढ़िया। बड़ी देर से ढूंढ रहा था, यहाँ मिल गया। मेरे कॉलेज में मेरा एक दोस्त था जतिन लुनावड़ा, और जब मैं पहली बार मुंबई टू उदयपुर गया था ड्यूक 390 पे सोलो राइड, तब मैंने ये गांव क्रॉस किया था लुनावड़ा, ये नाम है गांव का लुनावाड़ा। तो मुझे क्लिक हुआ कि यार मेरा दोस्त यहाँ का तो नहीं है, हो सकता है, पूछना पड़ेगा। क्या खूबसूरत, कितनी बड़ी नदी है यार ये यूजुअली समर में पूरी ड्राई रहती है शायद, क्योंकि मैंने बहुत कम बार इसमें पानी देखा है, और इतना पानी तो पहली बार देखा है। क्या लेके जा रहे हो इतना। ओके, उदयपुर 154, श्यामला जी 28। आपके भाई ने वडोदरा से ब्रेक ही नहीं लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी करके सनसेट के पहले श्यामला जी पहुंचना है,
ये रोड वैसे तो ठीक है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत सारे गड्ढे हैं ना, तो आई थॉट कि ऐसा होगा, इसीलिए अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा टाइम पास नहीं किया ना, तो पता चलता यहाँ पे अंधेरा हो जाता तो बहुत टाइम लग जाता। और किलोमीटर्स कंप्लीटेड 565, मोर 150 टू गो। तो ये अहमदाबाद उदयपुर हाईवे है, क्या चाहिए भाई इसको, अच्छा खासा यंग तो है यार, काम करो। अब यहाँ से मारेंगे हम राइट और जल्द से जल्द एक ब्रेक लेंगे। 130 किलोमीटर उदयपुर है, आई थिंक एक घंटे में यहाँ से पहुँच सकता हूँ मैं, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छा है जितना मुझे याद है। दिस इज ब्यूटीफुल रोड यार, मस्त लगता है यहाँ पे। चलो फर्स्ट सेट ऑफ माउंटेन्स, नाइस। लेकिन ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो ये सीरीज में तूफान गूंजने वाला है लेह लद्दाख में। थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और अगर आपको आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी गाइस तो सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट। अब मैं बहुत कुछ ट्राई कर लिया, डेड कैट भी लगा लिया, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो अभी मैं गाड़ी को स्लो करके बात करूँगा। अब आज का फुटेज मैं देखूँगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली कुछ काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। चलो एनीवेज, ब्रेक लेने के लिए जगह भी नहीं है, पूरा फेंसिंग करके रखी है, तो देखते आगे। फाइनली अपना तूफान फर्स्ट टाइम राजस्थान में आ गया, क्या बात है। वीरभूमि मेवाड़ राजस्थान, यहाँ पे एक फ़ोटो निकालते हैं, आगे जाके एक ब्रेक लेते हैं। चलो यहाँ निकालेंगे फ़ोटो, आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हेवी गाड़ी को संभालना डिफिकल्ट होता है। बस और क्या चाहिए, सुहानी सी शाम, चाय और अपनी बाइक। वाह हालत खराब हो गई कम्प्लीटली। चलो सुर के पेंगे, गर्म है, अच्छा बना है, अच्छा है, अच्छा है। नहीं तो हाईवे पे मीठा मीठा रहता है ना बहुत, इसीलिए आपको बोला थोड़ा कम शक्कर। वैसे बादल काफ़ी गंदा हो गया यार, सुबह क्या करता ना निकलने पहले हल्का सा पानी मार के उसको थोड़ा सा माइक्रोफाइबर से क्लीन कर दिया तो भी बहुत है। ऑलराइट जी, पहुंच चुका हूं मैं उदयपुर। अभी मैं जल्दी पहुंच गया क्योंकि मुंबई उदयपुर थोड़ा इजी रास्ता है, अक्षय अभी ऑलमोस्ट आधे घंटे में आ जाएगा, 50 किलोमीटर के आसपास दूर है और हम लोग आज जल्दी सो जाएंगे क्योंकि जल्दी निकलने का सोच रहे। कल अगर पॉसिबल हुआ तो कल हम डायरेक्टली पंजाब टच कर देंगे, हरियाणा या पंजाब, अगर पॉसिबल हुआ तो दिल्ली स्किप करके। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अरे आओ ठाकुर आओ, फुल थकेला लग रहा है एकदम, हालत टाइट है। डाल दे तेरा एडवेंचर है, क्या टेंशन है, मेरे को टेंशन था। ये देखिए जंस्कार रिटर्न, पिछले साल जंस्कार गए थे यहीं पे रुके थे, अभी वापस से ले जा रहे हैं, यहीं रुके। ये हमारा मीटअप पॉइंट हो गया अपना। ओहो तुमने बॉडी वॉडी अच्छी बना ली है, अरे क्या मालूम ही नहीं पड़ता मेरे को क्या 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 चलता अमरावती में। दो दिन बाद एडिटिंग करेंगे, एक दिन स्टे करके, वो हमारा प्लान है। और इसीलिए वीडियोस दो दिन बस लेट आ रहे हैं, लेकिन दो दिन बाद बैक टू बैक आएंगे, क्योंकि हम जब तक दो वीडियोस पब्लिश होंगे उसके बाद हम कहीं और पहुंच जाएंगे और वहां पे हॉल्ट लेके दो वीडियोस एडिट करेंगे, तो आपके लिए वीडियोस लाइन में आ जाएंगे, बस स्टार्टिंग के दो दिन डिले, थोड़ा डिले, हल्का सा दो दिन डिले बस, क्योंकि हमको भी थोड़ा आराम की जरूरत है ना, इतना राइड करके एडिटिंग बहुत हालत टाइट हो जाती है उसमें। ऑलराइट अभी खाना खाया जाएगा और एडिटिंग बिल्कुल नहीं, अच्छा एडिटिंग करने का ही नहीं अभी, एडिटिंग अभी अपने वो आराम बहुत जरूरत है क्योंकि आगे की अपनी ट्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो अभी खाना खा के मिलता हूँ। ओके गाइस, टाइम टू एंड दिस वीडियो, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। एक्चुअली फर्स्ट डे डिफिकल्ट होता ही है। आई होप आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, आगे आगे देखो क्या क्या होगा, अभी तो बस ट्रिप की शुरुआत है, पहला वीडियो है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अभी देख सकते हो हम बहुत थक चुके हैं, हम लोग अभी सो रहे हैं, कल सुबह निकलेंगे। मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, ठकते रहो और अक्षय जी का स्वागत कीजिए इस ट्रिप में। अभी फर्स्ट एपिसोड में अकेला था, अभी कल से ही है।